परफेक्ट। कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से किसी का? अश्विनी कोई क्वेश्चन? अश्विनी एनी क्वेश्चन? चलिए अश्विनी शायद थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है। हितेश जी कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से? वैसे हमारी फोन पे बात हो गई थी, अभी क्लियरिटी हो गई सर क्या है, बैकलिंक कैसे है? सर एकदम परफेक्ट हो गया। सत्य जी कोई क्वेश्चन? सत्य जी कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? श्रद्धा मैम कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से? सत्य जी क्वेश्चन दोबारा पूछिए। सर मींस ऑन पेज एसईओ में हर एक पेज के लिए सर कीवर्ड हमें अलग से चूज करने पड़ेंगे राइट सर? हर एक पेज सर बिल्कुल 100% हर पेज का कीवर्ड अलग होगा, क्योंकि सर मैंने हमेशा बोला है डोमेन की रैंकिंग जरूर होती है, लेकिन डोमेन जो वेबसाइट है उसका जो पेज होगा उसकी रैंकिंग होगी। गूगल में कभी भी आप सर्च करते हैं तो सर्च करते टाइम आपके पास डायरेक्ट पेज का लिंक आता है, ना कि वेबसाइट का लिंक। तो हर पेज की कीवर्ड, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, सब कुछ डिफरेंट होना जरूरी है। अगर सब पे आप सेम डाल देंगे तो गूगल क्या समझेगा या कोई भी सर्च इंजन क्या समझेगा? सर्च इंजन इसी भी तो काम करता है ना कि आप उसको डेटा प्रोवाइड करो, तभी तो वो काम कर रहा है। वरना आप डेटा ही नहीं दोगे तो वो आपसे खुश क्यों रहेगा? क्लियर है सर? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो आज सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड टॉपिक सोशल मीडिया हम स्टार्ट करने वाले हैं, और सोशल मीडिया पे काम कैसे होता है, किस तरीके से होता है, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। श्रद्धा मैम सुन पा रहे हैं आप हमें? यस सर सुन पा रही हूं। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। सो सोशल मीडिया है क्यों और जरूरी क्यों है समझिएगा। मैंने हमेशा आप लोगों को डेमोंस्ट्रेशन में बताया है, सोशल मीडिया इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी मदद से आप दूसरों के जीवन में झांक सकते हैं जाके, और बिना उसे बताए वापस आ सकते हैं। ये इंसानी दिमाग है और कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है सारे लोगों पे। आप जरूर टेस्ट करना चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे ये हमारी आदत थी, सोशल मीडिया चैनल्स ने इसका फायदा उठाया। कैसे फायदा उठाया समझिएगा। आज जब आप फेसबुक पे जाते हैं तो फेसबुक बार बार आपको वही सारी वीडियोस, उसी टाइप के पोस्ट दिखाता है जिसमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और यही सेम चीज यूट्यूब पे होती है, यही सेम चीज लिंक्डइन पे होती है। तो वो चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पे निकालें अपना, और ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको फंसा के रखने के लिए क्या है कि आप जो देखना चाहते हैं वही YouTube या वही Facebook आपको दिखाता है। आप जिस तरीके की वीडियोस, जिस तरीके की पोस्ट देखते हैं वही वो चीज आपको दिखाता है बार बार। इसलिए यू स्टे लॉन्गर ऑन दी फेसबुक और एनी ऑफ दी सोशल चैनल्स। समझिएगा इस चीज को। जब हम फेसबुक पे, आज तो हम फेसबुक के बारे में ऑर्गेनिक सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कैसे काम होता है, क्या होता है। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम फेसबुक एड्स तक पहुंचेंगे आगे सेशन में, जब हम गूगल एडवर्ड्स कवर करने के बाद फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक एड्स पे, उस टाइम आपको ये पता लगेगा कि फेसबुक के अंदर कितने फिल्टर्स हैं। आप ऐसे आदमी को भी चूज कर सकते हैं जो दिन भर फेसबुक में बैठ के शॉपिंग करता है। आप ऐसे आदमी को भी चूज कर सकते हैं जो आपके एड को देख के 98% उस पर क्लिक करता है। फेसबुक ने अलग अलग कैटेगरीज बांट रखी है। कैसे हो रहा है ये ट्रैक, कैसे हो रहा है? फेसबुक का रेवेन्यू जनरेशन मॉडल यही तो है कि आपके दिमाग को वो कैप्चर करता है, और आप जैसे कस्टमर्स की लीड हम जैसे एडवर्टाइजर्स को बेचता है। बेचता इन द सेंस हम पे करते हैं, हम आपके जैसे एडवर्टाइज कस्टमर्स तक पहुंच जाते हैं। जैसे लेट सपोज मुझे चाहिए कि ऐसे लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और ओडिशा में हो, तो सत्य जी आप उस कैटेगरी में बहुत मजेदार आ गए। मुझे ऐसे कुछ लोग चाहिए जो फ्रीलांसिंग या जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं और दिल्ली या गाजियाबाद में रहते हैं, श्रद्धा मैम आप उस कैटेगरी में आ गई। तो इसी तरीके से फेसबुक फिल्टर करता है डेटा को। आप अपने फेसबुक के ऊपर जो भी अपडेट करते हैं ना, जैसे आई एम मैरिड या मेरी एनिवर्सरी डेट ये है, कैसे फेसबुक कैसे ट्रैक करता है? हम ये भी कर सकते हैं फेसबुक एड्स में कि आप अगर चाहें तो आप उन लोगों को अपना एड दिखा सकते हैं जिन लोगों का बर्थडे या एनिवर्सरी अगले 30 दिनों में आने वाली है। ये सारी चीजें फेसबुक ट्रैक कर रहा होता है।
और कहीं ना कहीं इसी का मजा सब कुछ ले रहे हैं, सारे लोग ले रहे हैं, और यही है फेसबुक एड्स। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक सीखेंगे कि ऑर्गेनिक फेसबुक पे कैसे काम किया जाता है, क्योंकि ऐसा भी तो सिनेरियो आ सकता है ना हितेश जी, जब हमारे पॉकेट में पैसे नहीं और फिर भी मार्केटिंग करनी है। हाँ। तो कैसे करनी है, यही तो जड़ है। पैसा तो हर कोई लगा लेगा, पैनल तो हर कोई है, लेकिन वही पैनल पे बस कॉस्ट कम ज्यादा का मैं सिखा दूंगा, लेकिन कॉस्ट कोई भी लगा लेगा। लेकिन ऑर्गेनिक तरीका हमेशा बेटर होता है, क्यों समझिएगा। आपने लेट सपोज पे करके फेसबुक एड्स के थ्रू अपने पेज पे 10,000 फॉलोअर्स ले आए, 10,000 लाइक्स ले आए, लेकिन जब आप कोई नया पोस्ट डालेंगे ना तो आपके पोस्ट के नीचे लाइक होगा 2, कमेंट होगा 1। इसको कहते हैं एंगेजमेंट, मतलब आपके जो फॉलोअर्स हैं उससे आपकी एंगेजमेंट है ही नहीं, वो पेड कस्टमर्स हैं। जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने सोशल मीडिया चैनल पे इन्फ्लुएंसर की तरह काम करें और ऑर्गेनिक फ्लो लेके आए। इसका तरीका क्या है, कैसे करते हैं, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे फेसबुक से, फेसबुक कैसे बनता है, अकाउंट कैसे बनता है, ये मुझे लगता है आप सबको पता है। कोई ऐसा है यहां पे जिसको ये नहीं पता कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनता है? और जितने लोग इसको वीडियो में देख रहे हैं मुझे लगता है आप सबको भी पता है फेसबुक अकाउंट कैसे बनता है। सिंपल, facebook.com पे जाइए, अपनी ईमेल एड्रेस या अपना फोन नंबर डालिए, दैट्स इट। बहुत इजी है, करके दिखा देता हूं, बहुत इजी सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद हम फेसबुक पेज पे चलेंगे, क्योंकि हम हमेशा बिजनेस की बात करते हैं। सेशन के बाद एक बार प्लीज मेरी वेबसाइट चेक कर लीजिए बना सर प्लीज। बिल्कुल मैम, कुछ नया है उसमें? मेहनत है हितेश भाई। चलिए, फेसबुक पे जाने के लिए आप जब फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं कुछ भी नहीं करना है, सिंपल facebook.com पे जाइए, और facebook.com पे जाने के बाद आपने फेसबुक का लॉगिन या साइन अप विंडो आ जाता है। आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जाना है और आप अपना नेम डालिए, सरनेम डालिए, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालिए। दो तरीके होते हैं, या तो आप मोबाइल नंबर से फेसबुक पे साइन अप कर सकते हैं या तो ईमेल एड्रेस से कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, आप मेल हैं, फीमेल हैं या कस्टम, जो भी जिस भी तरीके की ओरिजिन से आप हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। साइन अप करेंगे, एक ईमेल वेरिफिकेशन या फोन वेरिफिकेशन कोड आपके पास आएगा, एंड यू आर डन विद द फेसबुक अकाउंट। बहुत सिंपल है, हर कोई आजकल इसको यूज कर रहा है फेसबुक अकाउंट को, तो मुझे लगता है ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली आते हैं कि फेसबुक के ऊपर आप एक बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं और बिजनेस पेज होता क्या है। याद रखिएगा, फेसबुक में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है फेसबुक का नॉर्मल अकाउंट, एक होता है बिजनेस पेज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिजनेस पेज का मतलब है अगर आप एक ऐसी एंटिटी हैं जिसके 5,000 से ज्यादा फ्रेंड लिस्ट है, मतलब अगर मैं इंडिविजुअल एज प्रभाकर अपने फेसबुक अकाउंट पे 5,000+1 कस्टमर नहीं ले सकता, या मेरे फॉलोअर्स या मेरे फ्रेंड्स, अगर फेसबुक को यह दिखता है कि 5,000 लोग होने के बाद एक नया फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, तो फेसबुक मेरे को कहेगा भैया आप सेलिब्रिटी हो, आप कोई नॉर्मल आदमी नहीं हो, तो अपना पेज बनाओ। इसका मतलब कि नॉर्मल फेसबुक अकाउंट में सिर्फ 5,000 फ्रेंड एड हो सकते हैं, लेकिन पेज में कितने ज्यादा भी हो सकते हैं। और वहां पे फ्रेंड का नहीं होता है, पेज के ऊपर बहुत सारी सेटिंग्स हैं। पेज मतलब आप पब्लिक में जा रहे हैं, दैट मींस यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ। आप एक एनजीओ हैं, आप एक कोई भी संस्था हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप एक बिजनेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं फेसबुक पेजेस की। अब बात आती है हम में से ऐसे बहुत लोग जो मिनिस्टर्स के लिए काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी मिनिस्टर के लिए, तो आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि आप एक पॉलिटिकल एंटिटी हैं। और जब आप एड एग्जीक्यूट करेंगे, जैसा मैंने आपको समझाया था अश्विनी, अगर जब आप एड एग्जीक्यूट करेंगे तो फेसबुक एज एन इंडिविजुअल एक थर्ड पार्टी को आपके घर पे भेजेगा, आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, and then only you can execute the ads for an individual who is related to politics in India. ये 2017 के बाद लाया गया, जब overall पूरे विश्व ने देखा कि मोदी जी
बहुत अच्छे से जीत गए, केजरीवाल ने भी इसी तरीके का काम किया, उसके बाद फेसबुक ने इस रेगुलेशन को लगा दिया। ये रेगुलेशन अभी सिर्फ इंडिया और यूएस में है, बाकी और किसी कंट्री के लिए नहीं है। इंडिया और यूएस में अगर किसी मिनिस्टर का आपको प्रमोशन करना है तो आपको अपने अकाउंट को इंडिविजुअली वेरीफाई करवाना है, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। ये मैं ऐड की बात कर रहा हूं, अकाउंट आप किसी का भी बना सकते हैं। तो अभी हम फ्री वाली बात कर रहे हैं, मतलब अकाउंट की, तो उसमें आपको कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस काम को कर सकते हैं। कैसे करेंगे? facebook.com पे हम गए। facebook.com पे जाने के बाद आप जब यहां पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का अकाउंट दिखेगा। कोशिश कीजिएगा पहली बार में आप अपना अकाउंट बनाएं और उसके बाद अपने बिजनेस का अकाउंट नहीं पेज बनाएं। कैसे पेज बनाना है? सिंपल, यहां पे इस ड्रॉपडाउन पे क्लिक करना है और यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। कहीं ना कहीं आपको यहां पे ही, मेरे पास बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, 200 से ऊपर पेजेस हैं, इसलिए यहां पर मेरे सामने डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अदरवाइज आपको अगर यहां पे सिंपल गूगल पे आप जाएं और टाइप करें फेसबुक पेज, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। आई एम रियली सॉरी, अब दिख रहा है? ये मेरा अकाउंट है। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने सिंपल इस जगह पे जाके इस ड्रॉपडाउन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपको यहां पे क्रिएट अ पेज का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। मेरे पास इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, तो इसलिए आपको यहां पे जरूर दिखेगा क्योंकि आप सिंगल पेज बना रहे हैं। मैं यहां पे शो मोर पे चला जाता हूं और यहां पे देखिए मेरे सामने बहुत सारे पेजेस हैं मेरे। यहां पर क्रिएट पेज का ऑप्शन आ रहा है, हम एक नया पेज बना लेते हैं। क्रिएट पेज पे जाते हैं और देखिए अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप बिजनेस हैं या फिर ब्रांड हैं या फिर आप एक पब्लिक फिगर हैं या कम्युनिटी हैं। कौन होता है कम्युनिटी? कम्युनिटी का मतलब एनजीओ, ऐसी संस्था जो लोगों के लिए काम कर रही है, अपनी वॉइस को रेज करना चाह रही है, एक टॉपिक के ऊपर आप किसी समाज के लिए लड़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आप एक कम्युनिटी हैं। कम्युनिटी मतलब ऐसे लोग जो पैसे के लिए ज्यादा काम नहीं करते। पब्लिक फिगर, इसका मतलब या तो आप एक मिनिस्टर हो सकते हैं या मेरी तरह कुछ स्पीकर हो सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों में से कोई हैं तो आप ये चूज करेंगे कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। अगर आप एक बिजनेस हैं तो यहां चूज करेंगे बिजनेस और ब्रांड। इसमें क्या फर्क है दोनों में, आगे समझ में आएगा। पेजेस में कुछ सेटिंग्स में फर्क आता है और कुछ भी फर्क नहीं है। और जब आप एड चलाएंगे तो पब्लिक फिगर और कम्युनिटी के लिए आपको वेरीफाइड होना जरूरी है, बट बिजनेस और ब्रांड के लिए आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यह मत कीजिएगा कि किसी मिनिस्टर को कभी आपने प्रोजेक्ट लिया कि भैया लाओ मैं आपको इंडिया में फेमस कर देती हूं, और आपने उसको बिजनेस और ब्रांड में डाल दिया। फेसबुक आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है, उसके पास कंप्लीट राइट्स हैं इस चीज के। अभी के लिए हम देखेंगे बिजनेस और ब्रांड पे जाके, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहां मेरे से फेसबुक का पेज का नाम पूछा जा रहा है, मैं पेज का नाम डाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल सत्या डाल देते हैं। पेज का नाम हमने सत्या डाल दिया और कैटेगरी पूछी जा रही है मेरे से, मैं कौन सी कैटेगरी में हूं। हम ई कॉमर्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी, जो भी आप डालना चाहते हैं, बिजनेस और इकोनॉमी, वेबसाइट, लोकल सर्विसेज, शॉपिंग इन रिटेल, स्पोर्ट्स, बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसमें। आपको कोई ना कोई कैटेगरी चूज करनी है। क्यों कैटेगरी चूज करनी है समझिएगा? कैटेगरी इसलिए चूज करनी है क्योंकि आपके पेज को, जब आप पेज पे अच्छा कॉन्टेंट डालते हैं तो फेसबुक भी चाहता है कि आपके पेज को ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुंचाए। और अगर आप कैटेगरी सही से डालेंगे तो जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है या जो लोग ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है, हितेश जी, हो सकता है आपका पेज उनको बार बार दिखे बिना पैसे लगाए, क्योंकि फेसबुक तो यही चाहता है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने सेशन पे, अपने फेसबुक ऐप पे रोक के रखे। यही चाहता है ना सर? यस सर। तो इसलिए ये काम बहुत अच्छे से कीजिएगा। यहां पे एड्रेस मांगा जा रहा है कि आपका एड्रेस क्या है। एड्रेस क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि आपके बिजनेस पेज के अंदर एड्रेस होना जरूरी है। यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस डाल दीजिए, जो भी आपकी मर्जी वो डाल दीजिए। मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूं। चलिए अभी के लिए इसको डाल देते हैं। सर पिन कोड जरूर मुझे बता दीजिए सत्य जी। कोई भी ओडिशा का पिन कोड बता दीजिए मुझे।
756040 मैं जहाँ पे 756 04 04। चलिए फोन नंबर ऑप्शनल है, फोन नंबर डालना चाहते हैं फोन नंबर डालिए, लेकिन बहुत सारे पेज ओनर्स फोन नंबर नहीं डालते क्योंकि अगर आपका पेज ग्रो करेगा तो कॉल उठा उठा के परेशान हो जाएंगे, लेकिन जो बिजनेस यूनिट है वो जरूर अपना फोन नंबर डालिए। यहां पे एक ऑप्शन आपको देखिएगा, डोंट शो माय एड्रेस, ओनली शो टाउन सिटी एंड रीजन दैट इज इन बिजनेस। आप चाहें तो अपने एड्रेस को हाइड कर सकते हैं, किससे? लोगों से जो पब्लिक है, जो फेसबुक पे बैठी हुई है। मैं यहां पे हाइड कर देता हूं एंड कंटिन्यू करता हूं। अब यहां पर जैसे पूछा जा रहा है एड अ प्रोफाइल पिक्चर इस फेसबुक और सोशल मीडिया के लिए, जो मेरा कैनवा वाला सेशन था उसको जरूर यूज कीजिएगा, उसको देखिएगा, समझिएगा कैनवा कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप एक दिन डिजाइन बना लेंगे, दूसरे दिन आप गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन कैनवा का टूल अगर आपको आता है, बहुत अच्छे से उस पर आपने काम किया है, तो आप रुकेंगे नहीं। और सोशल मीडिया पे रुकना नहीं है, रेगुलर पोस्ट डालना है, तभी आपकी रीच बढ़ पाएगी ऑर्गेनिकली। पैसे से तो हम कितना भी रीच बढ़ा लेंगे, वो भी तरीका सिखाऊंगा जहां पे आप एक दिन में कम से कम 10,000 फॉलोअर्स ले आएंगे, लेकिन यस आपकी पॉकेट में पैसा होना चाहिए। यहां पे मेरे से पूछा जा रहा है एड अ प्रोफाइल पिक्चर, मतलब आपके पेज की प्रोफाइल पिक्चर है ये, इसमें साइज बहुत मैटर करता है। तो यहां पे देखिए फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर ज्यादा अच्छी कौन सी होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाली या पेड वाली? मैम ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हमेशा अच्छी होती है क्योंकि ऑर्गेनिक से आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है ना। आप पेड पे कस्टमर्स तो ले आओ, लेकिन पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट करो, उसके बाद पेड पे लेके आओ। मतलब यहाँ पे देखिए साइज हमें देखना 170 170। श्रद्धा जी कुछ पूछ रही हैं आप, पॉलिटिशियन का अगर कोई कैंपेन चलाना होता तो उसके लिए ऑथेंटिसिटी के लिए क्या करना होगा? मैम कुछ भी नहीं, मैं आगे जब एड्स पे सिखाऊंगा, जब मैं फेसबुक एड सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा। एक सिंपल फॉर्म होगा, फॉर्म आपको भरना है, इंडिविजुअल आपके घर पे आ जाएगा आपको वेरीफाई करने के लिए। 5 दिन का प्रोसेस होता है, विद इन 5th डे यू विल बी वेरीफाइड। ये इसलिए होता है, पता लगे आपने किसी हिंदू मुस्लिम के झगड़े पे एक वीडियो बना दी और फेसबुक पे एड चला दिया तो पकड़ेगा किसको? फेसबुक पे हमेशा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा शिकंजा कसके रखा हुआ है फेसबुक पे, और गूगल ने तो साफ ही मना कर दिया है कि जब तक मैं वीडियो को देखूंगा नहीं, जब तक मैं एड को मैन्युअली देखूंगा नहीं, मैं वेरीफाई नहीं करूंगा। लेकिन फेसबुक बेचारा अभी थोड़े स्टेज में है कि वो गूगल जैसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। आगे आप देखेंगे फेसबुक ने पूरा का पूरा गूगल से ही एड का नेटवर्क चुरा लिया है, जैसा गूगल ने बनाया था फेसबुक ने उस वैसा इंप्लीमेंट कर दिया है। और गूगल ने भी किससे चुराया? बिंग से, माइक्रोसॉफ्ट। बिंग मैम पीछे नहीं हुआ है, बिंग यस कस्टमर उसका फुटफॉल बहुत कम हो गया है, लेकिन यस अभी भी बहुत ज्यादा, अगर आप यूएस की बात करें, यूके की बात करें, तो लोग जो गूगल को पसंद नहीं करते हैं वो अभी भी बिंग पे ही बैठे हुए हैं। और जो पुराने लोग हैं, जैसे आपके फादर, मेरे फादर, या फिर उनसे पुराने लोग अगर जिंदा हैं अभी, तो वो लोग बिंग को, क्योंकि देखिए मैं बहुत ज्यादा गूगल को यूज करता हूं, तो अगर कोई नया ब्राउजर आ भी जाएगा, और रोज नए ब्राउजर आ रहे हैं, बट स्टिल आई लव गूगल। एक डिपेंडेंसी हो जाती है आपकी ब्राउजर को लेके। मैं अपने फादर का एग्जांपल लूं, अभी भी मैंने डेमो सेशन में भी बताया है, अभी भी उनकी आदत है कि सबसे पहले सिस्टम खोलते हैं, yahoo.com पे जाते हैं, वहां पे लिखते हैं google.com, और वहां से आते हैं गूगल पे और फिर सर्च करते हैं। और मैं अभी तक एज ए डिजिटल मार्केटर उनको कन्विंस नहीं कर पाया हूं कि फादर देखिए ये गलत है, आप डायरेक्टली google.com पे जाइए। वो कहते हैं आप अपने जमाने के हैं, हम अपने जमाने के हैं। है ना? तो ये क्यों होता है समझिएगा, जब पहली बार आप माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम खोलते हैं, जब आप पहली बार माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम बिकता है और पूरी दुनिया में बिक रहा है, एप्पल कहीं ना कहीं बिकता जरूर है लेकिन थोड़ा एलाइट क्लास उसको लेता है क्योंकि प्राइस फैक्टर उसमें बहुत बड़ा है। तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट का नया लैपटॉप या कोई भी सिस्टम ओपन करते हैं, उसमें जो डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है वो बिंग होता है, वो गूगल नहीं होता। गूगल के लिए
आपको google.com पे जाना पड़ेगा या फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल क्रोम एज अ ब्राउजर। सो बहुत सारे लोग नई चीज जब सिस्टम लेके आते हैं तो उसमें सारी चीजें नहीं इंस्टॉल करना चाहते। अब कोई पुराना आदमी है जिसको नहीं पता है तो वो क्यों इंस्टॉल करना चाहेगा गूगल क्रोम? श्रद्धा जी, वो तो जो चल रहा है उसका सर्च यूनिट चल रहा है और जो डेटा गूगल दिखा रहा है वही डेटा बिंग भी दिखा रहा है। ये जस्ट गूगल उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है, फास्टर रेट पे दिखा रहा है, तो लोग वहां पे चला रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि बिंग में एड्स नहीं चलते, बिंग में भी बहुत मजेदार एड्स चलते हैं। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। तो यहां पे रहते हैं, स्टिक टू द टॉपिक कि 170 बाय 170 पिक्सल्स का आपको दिखाया जा रहा है। फेसबुक जो बोलता है कि भैया देखो इस साइज का इमेज आपको चाहिए जो आप प्रोफाइल पे लगाओगे। प्रोफाइल क्या होती है? ये छोटा सा घर दिख रहा है आपको। कैसे करोगे? बहुत इजी है, कैनवा के ऊपर जाने का है, canva.com पे जाना है। कैनवा की वीडियो जरूर चेक, अगर आपने यहां से कुछ मिस किया है तो। प्रभाकर सर, हेलो अश्विनी, क्लियरली अश्विनी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? यस सर, आई वाज वर्किंग ऑन वन डिजाइन, ठीक है, जहाँ पे कस्टमर ने बोला है ही हैज गिवन मी वन डिजाइन, ठीक है, जो मैंने लोगो बनाया है ना उसको, जो उसने डिजाइन दिया है बैकग्राउंड रखने के लिए बोल रहा है, तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर सम हेल्प ऑन दैट। आफ्टर दिस क्लास इफ यू कैन जस्ट स्पेयर 5 मिनट्स फॉर मी। श्योर, यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर, डायरेक्ट नंबर, एंड देन वी कैन टॉक। चलिए, यहां पे कैन इंडिया को मैं एक सिंपल जो स्टार्टअप होता है कैनवा का, स्क्रीन वही है ये और कुछ भी नहीं है। मैं इसको स्किप कर देता हूं और मैं कैनवा के डैशबोर्ड पे आ जाता हूं। यहां पे आप फेसबुक प्रोफाइल ये देखिए, फेसबुक प्रोफाइल के बेस पे इसने कुछ हमें साइज नहीं दिया, कुछ पहले से डिसाइडेड है। क्या हम आके यहां पर बैठ जाते हैं और हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं सो दैट वी कैन गो टू द डैशबोर्ड। मैं साइज को यूज करने वाला नहीं हूं, मैं डैशबोर्ड पे दोबारा जा रहा हूं, होम पे क्लिक करके, और यहां पे एक ऑप्शन है आपके सामने क्रिएट अ डिजाइन का। यहां पे क्रिएट अ डिजाइन पे जाइए और यहां पे कस्टम डिमेंशंस हैं, कस्टम डिमेंशंस पे जाइए और यहां पे डालिए 176 बाय 176 या 177 था, क्या था? 176 था, चलिए 176 था सर, चलिए कोई बात नहीं, जो भी है 176 या 177 जो भी था आप यहां पे डालिए और आप क्रिएट डिजाइन पे कर सकते हैं क्लिक। अब याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बड़ी सी इमेज है और वो आप यहां नहीं डाल सकते। याद रखिएगा, प्रोफाइल इमेज हमेशा स्क्वायर होनी चाहिए, तभी वो परफेक्शन के साथ आएगी। आप कितनी बड़ी भी इमेज ले लीजिए लेकिन उसको स्क्वायर के साथ रखिए, आराम से काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, यहां पर मैं डायमेंशन ले लेता हूं 1200 बाई 1200, ये बहुत बड़ा इमेज बन गई, 1200 बाई 1200 पिक्सल्स बहुत बड़ी इमेज बन गई है। अब इस इमेज में लेट सपोज मैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूं और यहां पर मैं एक बार देख लेता हूं इसमें कुछ कैनवा का वाटरमार्क तो नहीं है। चलिए वाटरमार्क है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। वाटरमार्क वाले को यूज ना करें, कैनवा एक फ्री टूल है जिससे आप फ्री यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपलोड पे जाता हूं और मेरे पास अगर कुछ होगा तो यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं एक बार। चलिए हम देखते हैं हमारे पास क्या पड़ा है, डेस्कटॉप यहाँ देख लेते हैं। चलिए हमारी एक इमेज है, हम इसको ले लेते हैं एंड विल गो हियर, यहाँ पे आते हैं हम,
and we'll drop here. ये इमेज आ गई, इस इमेज को बस मुझे क्लिक करना है और ये मेरे स्क्रीन पे आ गई। इसको आपको अगर एडजस्ट करना है, आप पूरा का पूरा इसको स्क्वायर बनाइए, जैसे भी आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं आप इसको स्क्वायर बनाइए। फॉर एग्जांपल हमने इसको स्क्वायर बना लिया, इसका नाम मैं दे देता हूँ सत्या। ये फेसबुक सोचेगा ये बंदा हर 10-20 दिन में एक नया पेज बनाता है और उसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं करता है। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। यहां से मैं कोशिश करूंगा कि इसको पीएनजी क्वालिटी में डालूं, क्योंकि मेरे को हायर मोड में क्वालिटी चाहिए। फेसबुक अपने आप आपकी क्वालिटी को अच्छे तरीके से रिड्यूस कर लेगा और आपकी इमेज को अच्छा खासा बना देगा। तो ये हमारे पास सत्या की इमेज डाउनलोड हो गई है। अब हम जाएंगे अपने पेज के ऊपर। ये हमारा पेज अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे हम जाते हैं और देखिएगा मैंने 1200x1200 का यूनिट डिसाइड किया है। सो अभी मैं जाता हूँ, मैंने अपलोड किया हुआ है सत्या के नाम से इमेज, वो इमेज मुझे अब मिल जाएगी। ये रही, शायद अपलोड प्रोसेस में थोड़ा सा डिले है। विल रिफ्रेश द पेज एंड सी कि अपलोड हुआ या नहीं हुआ है। ये देखिए इसने मेरी इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी एज अ प्रोफाइल। और ये जो सामने इमेज है ना, दिस इज कॉल्ड कवर इमेज, दिस इज कॉल्ड कवर इमेज। आप चेंज कवर इमेज पे जाइए और कवर इमेज बनाने का तरीका में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिंपल कैनवा के अंदर अगर जाते हैं, आप होम के ऊपर जाइए। कैनवा एक टूल है जिससे आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको इमेज एडिटिंग आती है आप किसी दूसरे टूल को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल फेसबुक कवर यूज कीजिए, साइज पहले से यहां पे दिया गया है। ये देखिए सारे फेसबुक कवर्स हैं। मान लीजिए मुझे ये वाला कवर चाहिए, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। ये डाउनलोड हो चुका है फाइल। अगेन एंड चूज फ्रॉम फोटोज या फिर अपलोड फोटो पे जाते हैं। ये रहा हमारी इमेज, इसको हमने अपलोड कर दिया और ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं डबल क्लिक, एंड आप हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, बट इमेज पहले से क्लियर है अपनी जगह पे। देखिए पेज का पेज साइज बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि आपने पेज अच्छे से सेट किया है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि आप इमेज लगा देते हैं और आधी इमेज आपका एक हाथ कहीं और चला गया, एक कान कहीं और चला गया और इमेज दिख ही नहीं रही है। सो इसलिए मेक श्योर यू वर्क विद द साइज ऑफ द इमेज प्रोवाइडेड बाय फेसबुक द फ्रेम। आप कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ चेक करना है तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर या फिर आप पेज हेडर करके सर्च कर सकते हैं, आपको साइज मिल जाएगा। अब देखिए होता क्या, यहाँ पे मेजर ये बन गया आपका पेज।
अब इस पेज पे क्या क्या काम करना है आपको। सबसे पहले हमने सत्या का ये पेज बना लिया, इसके बाद यहां पे क्रिएट पेज यूजर नेम होगा, ये बहुत जरूरी है। आपको अपने बिजनेस का यूजर नेम बनाना बहुत जरूरी है। यहां पे क्लिक कीजिएगा और यहां पे देखिए यूजर नेम, इसका मतलब क्या हुआ, facebook@ आपका यूजर नेम facebook.com/ आपका नाम, यहां पे हम डाल देते हैं सत्या 100% किसी ने लिया होगा तो मेरे पास आ गया, सत्या 2020 डाल देते हैं, ये भी किसी ने लिया हुआ है, हम एक और 20 ऐड कर देते हैं, ये भी किसी ने लिया हुआ है, और एक ऐड कर दो सर। तो एक बार ऐसी है ना हितेश जी, मैं किसी एनआरआई स्टूडेंट के साथ काम कर रहा था और उसमें बहुत सब में उसमें बहुत सारे बाहर ब्रिटिशर्स भी बैठे हुए थे, तो इसी तरीके से हम सोशल मीडिया पे एक यूजर नेम की क्लास चल रही थी कि कैसे होगा क्या होगा। सो वी वर लाइक कि हमने एक इंडिविजुअल का नाम लिया और उस इंडिविजुअल के नाम पे हम ट्रायल मोड पे चला रहे थे, करने के बाद हमने कम से कम नहीं भी तो सर 50-60 नाम ट्राई कर लिए जो मेरे स्टूडेंट ने सजेस्ट किया। लास्ट में मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर नाउ लेट्स गो दिस वे, उसने कहा फ्रॉग इन वेल, वो भी यूजर नेम लिया हुआ था किसी ने, उसने कहा फ्रॉग आउटसाइड वेल, वो भी लिया हुआ था। लास्ट में उसने हाथ जोड़ लिया कि भैया ये लोग कौन है जो ऐसे नाम ले लेते हैं। तो इसलिए सर होता क्या है ना सर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ध्यान नहीं देते, कुछ भी नाम चल दिया हो गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी मैंने ट्रायल मोड के लिए इसको लिया है, कोशिश कीजिएगा आप इसको तरीके से रखें, अगर सत्या अवेलेबल नहीं है तो अपना फुल नेम डालिए। जी अश्विनी बताइए। I can use my business name, right? For example, yes, of course you can, and you should use your business name. That is, for example, my company name is GA Digimark, so I can use the same. Yes. Okay. आपको यहाँ पे सत्या भी नहीं डालना है, फिर आपको business name डालना है पूरा। ये तुम trial mode पे चला रहे हैं ना अश्विनी? Yeah, yeah. अभी यहाँ पे create username डाल दीजिए और ये आपका username हो गया। इसका मतलब ये देखिए fb.me कोई इस लिंक पे अगर जाएगा कभी भी तो डायरेक्टली आपका पेज खुल जाएगा, ये आपका फेसबुक का पेज बन गया, ये आपका फेसबुक का अकाउंट बन गया। आपको डायरेक्टली फेसबुक पे किसी को कुछ भेजना है, कुछ दिखाना है कि मेरा पेज ऐसा है मेरा पेज वैसा है, तो आप इस तरीके से अपने पेज का लिंक बना सकते हैं। देखिए ऊपर ये आपके पेज का प्रॉपर लिंक बन गया, यू कैन सेंड दिस टू एवरीवन। सर अभी ये सत्या @ आपने 2020 डाल, आप मेरे को चेंज करना है तो चेंज कैसे होगा? सर क्रिएट यूजर नेम पे दोबारा कॉल क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए पीपल कैन रीच आउट, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। इसका मतलब है कि एक बार हितेश जी जो पेज का नाम हो गया, फेसबुक आपको उस नाम को चेंज करने नहीं देता है, लेकिन यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आप support@facebook.com पे मेल डालिए और वहां से वो 10-20 दिन लेंगे और आपको एक्सेस दे देंगे। लेकिन हितेश जी अगर जो पेज आपने बनाया हुआ है और इस पे आपने ध्यान नहीं दिया है तो मुझे लगता है कि ये पोजीशन अभी भी आपकी खाली होगी, यहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। एक्चुअली में ये सत्या है ना वो चेंज करना है, तो वो चेंज नहीं होगा आपके हिसाब से, मेरे को फेसबुक को ईमेल करना पड़ेगा। अब तो बन गया ना, लेकिन आगे सेटिंग में समझाऊंगा कैसे होगा ये। ठीक, अभी इस पे स्टिक रहते हैं और टॉपिक पे रहते हैं, आगे समझाऊंगा क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। अब यहां देखिए ये आपका पेज बन गया, आपने यूजर नेम ले लिया, पेज ले लिया, अब आपको स्टार्ट करना है पोस्ट करना। याद रखिएगा सोशल मीडिया पे पोस्ट किस तरीके से किए जाते हैं, लोग क्या करते हैं एक्साइटमेंट में, जैसे मान लीजिए अश्विनी आप पहले दिन बहुत अच्छा पोस्ट करेंगे, वी आर वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन बैंगलोर, पहले दिन आपने पोस्ट कर लिया, थोड़ा सा आर्टिकल लिख दिया, दैट्स इट। सेकंड डे यू वेक अप और आपको लगा कि यार मेरे को दोबारा लिखना चाहिए, यू वेंट टू फेसबुक पेज और आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या प्रोजेक्ट हम करते हैं, हमारी सर्विसेज क्या है। थर्ड डे यू वेक अप, थर्ड डे आप गए और आपने सोशल मीडिया पे अपने पेज को खोला और वहां पे लिख दिया कि हमारे ऑफर्स क्या क्या है। फोर्थ डे खत्म, डेड, आपके पास टॉपिक ही नहीं है लिखने के लिए और लोग यहीं पर रुक जाते हैं। इसलिए सबसे पहले एक चार्ट बनाइए, एक एक्सेल खोलिए या एक पेन और पेपर लेके बैठिए
उसके अंदर आप वीकली डिसाइड कीजिए कि पहले दिन, याद रखिएगा ये ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने का बहुत गुरु मंत्र बता रहा हूं मैं, बहुत सीधा सा तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक शेड्यूल बनाना है कि फर्स्ट डे, जैसे वीक का जो फर्स्ट डे है संडे, संडे को अगर आप जो पोस्ट डालेंगे, लेट सपोज वो आपने डाला है अपनी कंपनी के बारे में, मंडे को, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, मंडे को आप एक मोटिवेशनल पोस्ट डालेंगे, ट्यूजडे को आप एक इंफॉर्मेशनल पोस्ट डालेंगे कि आपकी सर्विसेज लेने से उस बंदे का क्या होगा, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में नया क्या चल रहा है। वेनसडे को आप कुछ और टॉपिक के ऊपर पोस्ट डालिए, थर्सडे को कोई और टॉपिक डालिए, और इस शेड्यूल को आप पूरे लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। इससे ऑडियंस को भी बहुत कनेक्टिविटी मिलेगी कि आपके पेज पे वो आए क्यों। याद रखिएगा, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई यूजर फॉलो क्यों करेगा, इसके तीन आंसर सिर्फ आपके पास होने चाहिए। पहला क्वेश्चन जो कोई भी यूजर के दिमाग में आएगा कि आप में ऐसा क्या है जो आपको फॉलो करे, इसका रीजन आपको यूजर को देना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ योर पोस्ट, विद द हेल्प ऑफ योर प्रोफाइल इमेज, विद द हेल्प ऑफ योर नेम। आप में ऐसा क्या है कि यूजर आपको फॉलो करेगा? अश्विनी, आप में सब इस आंसर का सबसे पहला है कि आप हैं एक वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी या फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। हमारा, हमको लिखना है हमारे प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, या कुछ भी और भी लिखना है, सब बोल रहे हो? सर समझा रहा हूं, उसी पे आता हूं। सेकंड, जो दूसरा क्वेश्चन है किसी भी यूजर के दिमाग में, वो ये है कि अगर वो आपको फॉलो करेगा तो रेगुलरली आप उसको क्या दोगे, वो तभी आपको फॉलो करेगा। एक बार में आपको देख के फॉलो करने वालों की संख्या बड़ी कम है। आप करते हैं क्या किसी को फॉलो एक बार में? नहीं करते ना। लेकिन कुछ लोग गलती से फेसबुक पे क्लिक कर देते हैं और हमें लगता है वाजी वाह फॉलोवर बढ़ गए। कोई नहीं करता एक बार में फॉलो। एक्चुअली दिस हम भी नहीं करते। दिस इज लाइक एन ऑसम सॉल्यूशन सर व्हिच यू गिव, लाइक मेकिंग अ मंथली कैलेंडर। यस, इट्स नॉट मंथली अजय, इट्स वीकली कैलेंडर। मंथली में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हां या सो इट्स अ वीकली कैलेंडर। Previously when I used to work, sir, we used to have I used to handle around 4 clients where humko 4 clients ke monthly calendar banane padte the, where exactly this is what we used to do. Every Monday we used to put an infographic, and every Tuesday we used to give some what are the USPs which we have, and we used to do this physical calendar, like दिवाली आ रहा है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फेस्टिव पोस्ट, एंड हाउ कैन वी यू नो मेक देम एंगेज विद आवर ब्रांड। बिल्कुल, आपको कैलेंडर बनाना पड़ेगा पूरा कंप्लीट। और याद रखिएगा, जैसा यस अजय ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, अगर कोई बीच में कोई फेस्टिवल आ रहा है, डिपेंडिंग एनी ऑफ द रिलीजन, किसी भी रिलीजन से आए, यू बीइंग द बिजनेस, आपको अपने सोशल प्रेजेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। आपका कस्टमर किसी भी रिलेशन से हो सकता है, सामान बेचना है ना, बिजनेस वाले हो ना आप, पब्लिक फिगर हो या कम्युनिटी फिगर हो, तो आप डालो ना आपकी जो मर्जी है, लेकिन धंधा करने उतरे हो ना, तो उसमें रिलेशन नहीं है, है ना हितेश जी? सही बात है सर। तो इसलिए आपको सबको देख के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत सिद्धांतवादी हैं, बहुत ज्यादा आप बिल्कुल अपने रिलेशन में बिलीव करते हैं, यस मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप अगर ये चाहते हैं तो आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रहें अपने तरीके से, लेकिन अगर एक लेजिटिमेट और तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं तो अश्विन अजय ने बहुत अच्छा ऑप्शन बताया है, जो आगे मैं डिस्कस करता जरूर, कि आप फेस्टिवल्स को भी ध्यान रखें। अब समझिएगा, यहां पर आपने पहले दिन पोस्ट डाल दिया, फिर दूसरे दिन डाल दिया, तीसरे दिन डाल दिया, 7 days का आपके पास सीरीज रेडी है, वही सीरीज को दोबारा रिपीट करना है। हितेश जी आपका एग्जांपल सबका बताऊंगा अभी, हितेश जी आपका एग्जांपल, मान लीजिए पहले दिन आपने डाला कि आपका वो जो प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बिक रहा है वो कौन सा है, बिके नहीं बिके लेकिन आपको अपना प्रोडक्ट बिकता वो दिखाना है, ठीक है हितेश जी? समझ गया सर। तो मान लीजिए संडे को आपने दिखाया आर मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, और उसके नीचे लिंक डाल दिया, कैसे डालेंगे सबको समझाऊंगा अभी,
इसके बाद ट्यूजडे पे आप आए, ट्यूजडे पे आने के बाद आपने क्या डाला, एक मोटिवेशनल, ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि मोटिवेशन डालना है, क्या डालना है, मोटिवेशनल इन्वॉल्व भी करना है नहीं करना। आपने कुछ ऐसा डाल दिया कि ई कॉमर्स के अंदर कैसे होता है, या आपने अपनी सर्विसेज को डिफाइन कर दिया, आपने सपोर्ट के बारे में बता दिया कि आपका सपोर्ट कितना अच्छा है। वेनेसडे पे आ जाइए, वेनेसडे पे आपने दिखा दिया कि भैया एक टेस्टिमोनियल डाल दिया, एक कस्टमर का फीडबैक डाल दिया। थर्सडे पे आप आ गए, थर्सडे पे अगर आपको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं, अगर कोई कंटेंट फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप इसी सेशन को रिपीट कर सकते हैं जो प्रोसेस आपने यूज किया पहले तीन में। लेकिन एक सिस्टमैटिक फ्लो होना चाहिए, मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि अगले वीक इस दिन आपके फेसबुक पे क्या पोस्ट जाएगा, यह बहुत जरूरी है। आप पहले से शेड्यूल बना के चलेंगे अपना, क्योंकि अगर शेड्यूल नहीं होगा ना तो अश्विनी ट्रस्ट मी आप फेसबुक के पेज को खोलेंगे और यही देख के बंद कर देंगे कितने लाइक्स और कितने फॉलोअर्स आए हैं। Yes, sir. दादा अगर आप काम करने वाले हैं, जैसे लेट सपोज आप अगर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, या फ्रीलांसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो श्रद्धा है, श्रद्धा का एक पेज बनाएंगे, आप एक कम्युनिटी फिगर की तरह आएंगे, एक पब्लिक फिगर की तरह आएंगे और श्रद्धा शेयर करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या चल रहा है, या फिर आप यू आर ओपन टू डू एनीथिंग, आपको अगर शेयर करना है कि यार ये न्यूज क्या बता रहा है, इस न्यूज के ऊपर ये पोस्ट डाल दो, मतलब एक शेड्यूल होना चाहिए आपका कि पहले दिन आपने डाला टेक के ऊपर न्यूज, दूसरे दिन डाला आपने गेम्स के ऊपर न्यूज, स्पोर्ट्स के ऊपर, थर्ड डे आपने डाला पॉलिटिक्स के ऊपर न्यूज, फिफ्थ डे आपने डाला एजुकेशनल के ऊपर एक न्यूज, जिससे आपको ये पता हो कि आपका जो ऑडियंस है उसको वो तीन आंसर मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। मैंने दो का बताया था, तीसरा भी अभी बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो ऑडियंस सीधा आपसे पूछेगा, पूछने कोई नहीं आ रहा है लेकिन बस उसके दिमाग में यही है कि वो आपको फॉलो क्यों करे, उसका जवाब आप सबके पास है कि आपकी सर्विसेज की वजह से वो आपको फॉलो करेगा। दूसरा कि आप उसको रेगुलरली क्या न्यूज या क्या अपडेट्स दे रहे हो। हितेश जी एक कस्टमर आपको क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट दिखता है उसको बार बार कि यार ये आदमी तो बड़े नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहा है, चलो इसको फॉलो कर लेते हैं, कुछ नया आएगा तो पता लग जाएगा, है ना हितेश जी? यस सर। तीसरा फॉलो करने से उसका क्या फायदा है, फायदा ये नहीं है कि उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर आपने ये डिक्लेयर कर दिया ना कि हमारे पेज को फॉलो करो और मैं तुम्हें देता हूं ना 100 रुपए का डिस्काउंट कूपन, तो देखो फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, है ना हितेश जी? सही बात है सर। कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या फिर बोलिए कि भैया आप हमें फॉलो करो और हमारे पेज को शेयर करो दूसरे कम्युनिटी में, दूसरे ग्रुप्स में, और लो 100 रुपए का कूपन, भेजो हमारे व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट कि आपने शेयर कर दिया है, या आपको खुद ही दिख जाएगा किसने शेयर किया आपकी पोस्ट को। सो ये पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। अजय कुछ बोलना चाहते हैं? अजय आई एम नॉट एबल टू हियर यू। चलिए जब तक अजय अपनी माइक को ठीक कर ले हम आगे चलते हैं। और ये रहा अभी आपका पेज, यहां पर राइट अ पोस्ट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला है हैशटैग सर, दूसरा है एट द रेट। कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए जी बताए शुदा। जैसे हमारा गूगल में जैसे हम लोग वेबसाइट बना रहे थे तो कोई भी कंटेंट को हम लोग वहां से कॉपी करके नहीं डाल सकते, गूगल हमारी रेटिंग कम कर देता है। फेसबुक में अगर हम लोग कोई कुछ भी ऐसे पोस्ट डाल रहे थे तो कॉपी तो पोस्ट डाल सकते हैं? नहीं मैम, बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस पहले से कनेक्टेड है तो वो आपको फॉलो करेगी ना। मान लीजिए आपके पास 10,000 लोग कनेक्टेड है आपके पेज में, जैसे ही आपने पोस्ट डाला उन सारे लोगों को दिखेगा ना वो। मेरे तो मैंने तो फेसबुक पहले यूज ही नहीं किया अभी कुछ। मैम आप करेंगे, करना जरूरी है क्योंकि जनता यहाँ बैठी हुई है, अभी यही करना है। वही मैं पूछ रही हूँ सर कि अगर अब जो करूँ तो कॉपी पोस्ट मतलब कहीं से वीडियो कॉपी करके डाला या? मैम देखिए हमेशा हमेशा कोशिश कीजिए कंटेंट आपका खुद का हो,
लेकिन ऐसे बहुत सारे फेसबुक पेजेस हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जो कुछ भी किसी का भी न्यूज उठा के सीधा लिंक को कॉपी करके अपने पेज में डाल देते हैं। आप कर सकते हैं, और जब उस लिंक पे कोई क्लिक करता है तो जाता तो उसी की वेबसाइट पे है ना, तो आपको, आप तो कॉपीराइट ब्रीच नहीं कर रहे, जाएगा तो उसी वेबसाइट पे, लेकिन आप अपने यूजर को एक लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। तो सर मेरा तो हमारा फायदा होगा, आपका फायदा ये होगा मैम कि अब जैसे गूगल एडसेंस लगाता है ना कि अच्छे कंटेंट के बीच में वो एड दिखाता है, आप कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो उस वीडियो के ऊपर एड चलाता है और एड वाले को जो वीडियो वाला है उसको पैसे मिलते हैं, वैसे ही फेसबुक के अंदर इंस्टा आर्टिकल नाम की चीज है, समझाऊंगा आगे क्लासेस में, इंस्टा आर्टिकल और फेसबुक की मोनेटाइजेशन, ये दोनों चीज सिखाऊंगा जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो सर मेरे फेसबुक में, मेरे फेसबुक में 4500 फ्रेंड्स है। बहुत बढ़िया सर, फ्रेंड्स हैं कि पेज पे फॉलोअर्स हैं? नहीं सर, फ्रेंड्स हैं। सर दोस्त तो कभी पैसा देगा ही नहीं ना आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। ये दोस्त और घर वाले ही तो बर्बाद कर रहे हैं है ना, ये आपको पैसा कभी नहीं देंगे। फॉलोअर्स होने चाहिए सर आपके, सर आपको चाहिए रियल ग्राहक। ओके है ना, सत्य जी को अपना कोई प्रोडक्ट दो ना सर, सत्य जी डायरेक्ट परचेस करेंगे नहीं, आपसे बोलेंगे पहले डिस्काउंट दो, मैं तो आपके बैच का हूं। अरे चाहिए नहीं सर, देंगे नहीं सर, सर प्रीतेश भाई देंगे नहीं, ये भी हम लोग जानते हैं। सर आई एम ऑडिबल नाउ? यस अजय यू आर ऑडिबल, टेल मी योर क्वेश्चन। नहीं सर बस आई जस्ट वांटेड टू चेक इफ आई एम ऑडिबल। ओके परफेक्ट, चल बीच-बीच में चेक करते रहिए सर, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे चलते हैं, और मैंने दो चीजें आपको बताई फेसबुक के अंदर, एक होता है हैशटैग, एक होता है एट द रेट, दोनों का मतलब क्या है सर? सपोज अगर मैं यहाँ पे पोस्ट डाल दू ना हैशटैग, और मैं पहला, मान लीजिए आज मंडे है, मैं चाहता हूं कि मैं डालू यहां पर एक न्यू डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। सो अगर मैं हमेशा कोशिश करता हूं, आप लोगों को सिखाता हूं कि कॉन्टेंट खुद बनाइए, अगर आप कॉन्टेंट खुद बना रहे हैं बहुत अच्छा है, कॉन्टेंट दूसरे का है तो आप यहां चला सकते हैं काम। सो आपको सिर्फ लिंक कॉपी करना है और पेस्ट करना है, ऑटोमेटिकली उसकी थंबनेल सब कुछ आ जाती है, सिखाऊंगा आगे। सो यहां पे मैंने डाला, सबसे पहले मैं पोस्ट लिखूंगा, पोस्ट क्या है, या इसको ऐसे कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय IIDM, हमने ऐसे डाल दिया। कुछ इस तरीके से डाल दिया। अब क्या है, यहां पे मैं एक इमेज डाल दूंगा, इमेज डालना आप लोगों को आता है बहुत इजी, यहाँ पे फोटो उठाइए, फोटो डाल दीजिए, जो भी आपने बनाया है कैनवास या किसी भी तरीके से आपने बनाया है, वहां पे इमेज लेके आप डाल दीजिए। इमेज डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्पेस देना है टॉप में, और यहां पर मैं हैशटैग IIDM डालूंगा, उसके बाद स्पेस दूंगा हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये डालूंगा, स्पेस दूंगा हैशटैग IIDM प्रभाकर, बताए ना तीसरा वाला स्टेज बाबा वाला, वो भी जरूरी है ना हितेश जी। तो ये है, मतलब इस तरीके से आप हैशटैग बना सकते हैं, आप कितने भी हैशटैग बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जितना बड़ा पोस्ट नहीं उससे ज्यादा हैशटैग डाल दिए, अच्छा नहीं लगेगा देखने। कोई भी एक इमेज ले लेते हैं फॉर द रेफरेंस, मान लीजिए हम एक पोस्ट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, चलिए ये बहुत सारे लोगों ने इसका वीडियो भी देखा होगा, ये एक पोस्ट ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये इमेज बहुत क्लियर नहीं आई है क्योंकि इस इमेज का जो साइज है ना वो फेसबुक पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बना है। फेसबुक पोस्ट और ट्विटर के ऊपर जब आप पोस्ट डालते हो तो याद रखिएगा स्क्वायर इमेज हमेशा काम करती है अच्छे से, हमेशा स्क्वायर इमेज काम करेगी, बहुत क्लियर दिखेगा यूजर को, वो ये भी दिखेगा
लेकिन ये मोबाइल पे थोड़ा छोटा हो जाएगा, कभी हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे अभी ये कट रहा है हल्का सा, यूजर को ऐसा नहीं दिखेगा, यूजर को बिल्कुल इनलार्ज्ड वे में दिखेगा, बट आप स्क्वायर यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो चला सकते हैं आप काम इसको। अब यहां पर मैं इसको पोस्ट करता हूं, देखिएगा अभी क्या होगा। और ये पोस्ट हो रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए पोस्ट आ गई। अब यहां पे देखिएगा, मान लीजिए आपके इस पोस्ट को सत्या जी कोई पढ़ रहा है, अब पढ़ रहा है तो क्या होगा, वो IADM वाला जो हैशटैग है उस पर क्लिक करता है, और मजा देखिए क्या होगा। जैसे ही उसने IADM हैशटैग पे क्लिक किया, जितनी भी चीजें IADM से रिलेटेड हैं, जितनी चीजें फेसबुक पे डली हुई IADM से रिलेटेड, वो सारी दिख जाएंगी। इसका मतलब हैशटैग एक तरीके से आपके सर्च कीवर्ड की तरह काम करता है। जो कुछ आप हैशटैग में डालेंगे वो आपका सर्च कीवर्ड होगा। फेसबुक के अंदर बहुत सारे लोग यहां पे आते हैं और यहां पे सर्च करना स्टार्ट करते हैं। फेसबुक चाहता है कि फेसबुक अपने आप में एक सर्च कीवर्ड है, तो इसलिए यहां पे देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखेंगे मुझे, जो रेगुलरली डाल रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के, बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखेंगे यहां पे। अगर आप रेगुलर डाल रहे हैं तो आप भी यहां पे कहीं ना कहीं दिखे होंगे, स्क्रॉल डाउन करते रहिए आप दिखेंगे। अभी हमारा पेज बिल्कुल नया है इसलिए फेसबुक ज्यादा आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन धीरे आपको दिखाना जरूर स्टार्ट कर देगा वो। फायदा ये होता है कि इन टैग्स की मदद से, ये जो टैग्स आप डाल रहे हैं, इन टैग की मदद से आप अपने ऑडियंस को पहुंच सकते हैं, अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। जैसे हितेश जी, आप अगर कोई घड़ी का पोस्ट डाल रहे हैं तो आप क्या डाल सकते हैं हैशटैग, आप डाल सकते हैं लेटेस्ट वॉल क्लॉक्स। तो लेटेस्ट वॉल क्लॉक जो भी फेसबुक में जाके सर्च करेगा वहां पे आपका आर्टिकल दिखेगा। सर मैं सर जो वेबसाइट में जो मेरा कीवर्ड लिखा होगा वॉल क्लॉक का, वही डालना पड़ेगा ना, तो वहां से मेरी वेबसाइट चला जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा सर? ऐसा मतलब मैनुअली लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा ऑटोमेटिक नहीं पुल होता है। ओके, बट देन इट इज अबाउट द रीसेंट पोस्ट्स, राइट सर? अजय, उसमें एक डिफरेंट सिनेरियो है। अगर आप बात कर रहे हैं कि रीसेंट पोस्ट, या फिर आप बात कर रहे हैं ट्रेंडिंग हैशटैग, करेक्ट? या लाइक इफ आई एम सर्चिंग, लेट्स से आई हैव पोस्टेड समथिंग अबाउट लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2 years back, and hashtag digital marketing course, and somebody is searching right now, and let's say somebody else have posted today. So who have posted today, unka first result mein aayega, then yes, of course unka aayega. Tabhi to maine aapko bataya na, jo copy pen wali baat batai, schedule tabhi to likhoge ki daily karte rahoge aap, warna agar ek bar Facebook mein dal diya post aur so gaye aur 3 months baad uthe, yaar Prabhakar sir ne sikhaya tha, fir dobara post dalta hu, khatam. प्रभाकर सर भी मदद नहीं कर पाएंगे फिर। जी श्रद्धा बताइए। अगर हम हैशटैग डालते हैं तो हमारे कस्टमर को डाइवर्ट करके दूसरे जगह कर दे रहा है, अगर वो हमारे पोस्ट से, अगर जैसे आपने किया। मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है श्रद्धा का, कि लोग क्या करते हैं यहाँ पे ट्रेंडिंग हैशटैग डालते हैं। कि श्रद्धा का क्वेश्चन समझिएगा, हितेश सर समझ आया उनका क्वेश्चन? नहीं सर। उनका क्वेश्चन ये है कि हैशटैग हमने डाल दिया, आपने डाला स्टाइलिश वॉल क्लॉक्स या कुछ भी इस तरीके के डाल दिया आपने, और कस्टमर ने उस पर क्लिक किया, तो अगर आपका पोस्ट नहीं दिख रहा है उस जगह, तो कस्टमर तो कहीं और भाग जाएगा ना। हाँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, हैशटैग IADM, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी इन्वॉल्व किया, और हैशटैग IADM प्रभाकर भी किया, कि अगर वो IADM डाले तो मुझे पता है कि ये IADM का हैशटैग मैं यूज करता हूं। लॉजिक क्लियर है? ठीक है श्रद्धा, आपका क्वेश्चन आपको क्लियर है ना बिल्कुल, क्या पूछा? यस सर, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। सो
यहां पर क्या है, बहुत सारे लोग लेटेस्ट हैशटैग यूज करते हैं श्रद्धा। लेटेस्ट हैशटैग कहां से निकलते हैं? ट्विटर वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हैशटैग का जन्म हुआ और वहीं से हैशटैग हर जगह घूम रहा है। आज यूट्यूब में भी हैशटैग आ गया है। आज के बाद किसी यूट्यूब की वीडियो को देखेंगे ना तो नीचे देखिएगा हैशटैग दिखता है। अब श्रद्धा होता क्या है, ये हैशटैग में डालने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हैशटैग से बहुत सारे कस्टमर, क्योंकि अगर आपके पेज के ऊपर कस्टमर नहीं है मतलब फॉलोअर्स नहीं है, तो श्रद्धा अगर रेगुलर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का हैशटैग अपने पोस्ट में लगा रहे हो तो जो आदमी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के हैशटैग को किसी बड़े प्रोफाइल से होके लेके आ रहा है वहां पे हो सकता है आप भी दिख जाओ ना, तो आपको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर हितेश जी ने अपनी हैशटैग पे डाला हुआ है स्टाइलिश वॉल क्लॉक्स, तो हो सकता है Amazon की पोस्ट से एक बंदा हैशटैग स्टाइलिश वॉल क्लॉक पे क्लिक करके आया और हितेश जी का प्रोडक्ट उसको दिख गया, कस्टमर आ गया ना हितेश जी। यस सर। और उसको अगर अच्छा लगा तो फॉलो करेगा ना। हाँ। क्योंकि वो देख रहा है घड़ी तो मिल ही रही है, साथ में ऑफर भी मिल रहा है, साथ में बंदा 100 रुपए का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो कहेगा भैया Amazon नहीं जाना, यहीं से ले लेता हूं मैं। हाँ। श्रद्धा क्लियर है अभी? तो हैशटैग डालना जरूरी है, लेकिन यस श्रद्धा ये दिमाग में डालना बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑडियंस को ज्यादा भटकने नहीं दें। बहुत लोगों की आदत अजय ये होती है, यू वर्क इन दिस इंडस्ट्री सो यू विल बी नोइंग टू इट, कि बहुत लोग क्या करते हैं लेटेस्ट हैशटैग उठा के ले आते हैं कहीं से सर्च करके, मतलब पोस्ट है घड़ी की और हैशटैग डाल रहे हैं IADM, वो गलत है। आपका जो पोस्ट है वो आपके बारे में होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए। अब एट द रेट की कहानी आती है। एट द रेट क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा लोग क्या करते हैं कि एक पोस्ट लिखा और नरेंद्र मोदी को टैग कर दिया, सुना ऐसा हितेश जी? क्या क्या नरेंद्र मोदी को टैग कर दिया, मतलब आपने एक पोस्ट लिखा और नरेंद्र मोदी को उठा के टैग कर दिया। वेरी कॉमन, वो तो बहुत कॉमन है सर। है ना, बहुत कॉमन है सोशल मीडिया पे, तभी तो सोशल मीडिया चल रहा है। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे उसके न्यूज की जरूरत नहीं है, वो यहीं से टारगेट कर लेता है सब कुछ। मैं आपको एक रिकॉर्डेड लाइन पे बता रहा हूं, ये मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं ज्यादा ये रिलायंस स्मार्ट ये सब जो कपड़े की दुकानें हैं वहां मैं ज्यादा जाता नहीं हूँ, आई एम वेरी ब्रांड स्पेसिफिक। तो मैं एक्चुअली जा रहा था अपने किसी फ्रेंड के साथ, ही सेड कि यार यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, लेट्स गो टू इट। मैंने कहा नहीं यार मेरे को उतना मन नहीं है, मतलब मेरा जो आउटफिट होता है एक ही ब्रांड में स्पेसिफिक पहनता हूँ, बट मैं चला गया। मेरे को वहां पे एक टी शर्ट पसंद आया हितेश जी, मैंने वो टी शर्ट परचेस की और परचेस करने के बाद मैं जब घर पे आया मुझे वो क्लॉथ पसंद नहीं आया उतना, और पैसे में तो मैं बड़ा जुगाड़ू आदमी हूँ सर, अपने आप से सांस लेने के पैसे ले लेता हूँ मैं। तो इसलिए मैं दोबारा चला गया रिलायंस के पास, मैंने कहा यार ये स्टफ मुझे पसंद नहीं आया। तो जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मेरे को मना कर दिया कि सर ये अंडर ऑफर था और हम इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा यार मैंने इसको अभी तक यूज भी नहीं किया है, कैसे चेंज नहीं करोगे, चाहे ये अंडर ऑफर में है या नहीं है, मुझे सेम प्राइस का दोनों फिर। हाँ। हितेश जी उसने मना कर दिया मुझे। हाँ। अब थोड़ा ईगो भी लगा कि यार डिजिटल मार्केटर को मना कर रहा है। मैंने कहा यार देखो ऐसा तो नहीं है, लेकिन यस व्हेन यू डू पब्लिक स्पीकिंग तो आप हर जगह ना जोश नहीं दिखा सकते। हाँ। आपको काम रहना है, पेशेंस के साथ रहना है। तो इसलिए मैंने उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं, आई विल हैंडल इट माय वे। मैं उस स्टोर से बाहर निकला, मैं ड्राइवर को बोला भैया गाड़ी घुमाओ, और मैं बस बैक सीट पे बैठ के मैंने कुछ नहीं किया। फेसबुक पे मैंने नीता अंबानी को टैग किया, रिलायंस के कॉर्पोरेट को टैग किया, और मैंने ये डाल दिया कि भैया देखो ये टी शर्ट, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर। हितेश सर 15 मिनट के अंदर मेरे पास बॉम्बे के हेड ऑफिस से कॉल थी। ओहो 15 मिनट के अंदर। ओहो। और उन्होंने पूछा सर प्रॉब्लम क्या हुई है, मैंने उनको प्रॉब्लम बताया। और जब उन्होंने देख लिया, मतलब उन्होंने कॉल करने से पहले सर नंबर वंबर तो देख ही लिया होगा, प्रोफाइल देखी जब उन्होंने, तो उनको समझ आ गया कि इससे भिड़ने का मतलब नहीं है। मैंने उनको यही समझाया देखो यार ये कॉस्ट इज टोटली डिफरेंट, बट इट्स अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिसकी मैं हमेशा रट रट की बातें करता रहता हूँ।
तो दे अंडरस्टूड इट और फिर उन्होंने मैनेजर को कॉन्फ्रेंस पे लिया. मैनेजर ने कहा सर आप कहाँ पे हो, मैं वहीं पे आ रहा हूँ. मैंने कहा नहीं आपकी गलती नहीं है, मैं आपके स्टोर आ रहा हूँ. आई वेंट देयर, मैंने आराम से उसको कहा कि इट्स नॉट अबाउट टेकिंग अप योर जॉब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इट्स अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन. क्योंकि आज जिस चीज के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ शायद दो लोगों के साथ हुआ होगा और उन्होंने आवाज नहीं उठाई हो. सही बात है सर, सीखना जैसी बात है. आपको इंसान ऐसा बनना चाहिए हितेश जी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप देख रहे हैं गलत हो रहा है तो चाहे आपके ऊपर कोई भी सिचुएशन आए एज एन इंडिविजुअल आपको फाइट करना चाहिए. लेकिन सर वो आपकी है, आपकी जैसे आपने जैसे टैग किया नीता अंबानी और रिलायंस कॉर्पोरेट को, उन्होंने आपका टैग पढ़ा, लेकिन उनके पास तो ऐसे कहीं कहीं आते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे इतना. तो जब आप किसी को टैग करेंगे ना हितेश जी तो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा. लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो आपको पढ़ते ही नहीं पढ़ते. मेरे से शायद उन्होंने इसलिए पढ़ लिया क्योंकि वो शायद मैं बहुत ज्यादा फेमस हूँ इस चीज पे. अच्छा, शायद उन्होंने इसलिए पढ़ लिया होगा या फिर उन्होंने देखा होगा एक ऐसी प्रोफाइल से आ रहा है जहां पे ये थोड़ा सा लाइट वाइट के साथ थोड़ा चमका हुआ चेहरा लिख रहा है, कुछ तो बड़ा आदमी होगा पक्का ये. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना उनके पास तो कहीं ऐसे हो सकता है, मुझे नहीं पता सर इस चीज का. बट लेकिन जब भी आप टैग करते हैं. जी अजय कुछ बोल रहे हैं आप. Usually they'll reply sir. अभी usually this thing happens in Twitter. Yes. So अभी मैं if you're retweeting something recently, one of my friend उसका act का he uses act internet five internet. होगा ही होगा. हितेश जी आप try करना इसको, ये होगा ही होगा. Yeah. और मैं आपको बता दूं जितनी भी बड़ी कंपनी है चाहे वो Google ले लो, चाहे आप Adobe ले लो, चाहे आप IBM ले लो, Infosys ले लो, किसी भी कंपनी की बात कर लो, आज Amazon की बात कर लो, आप फ्लिपकार्ट की बात कर लो, स्नैपडील की बात कर लो, किसी भी बड़े इंडस्ट्री की बात कर लो या बिजनेस की बात कर लो, सर सपोर्ट सोशल मीडिया पे आ चुका है. हितेश जी आप एक बार टैग करके देखो तो. सर मेरा अभी बहुत 25 लाख के एक बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ट्राई करते डालो टैग करो देखो क्या होता है. ऐसे ऐसे बैंक के साथ चल रहा है सर. सर डालो पहले यू ट्राई फर्स्ट विद द कस्टमर सर्विस सर, देन अगर वहां से आपको. हितेश जी यस लीगल तरीके से जाना चाहिए क्योंकि देखो जो लोग बैठे हुए हैं ना सपोर्ट के लिए आपका वेब पे, वो इसको कहते हैं सोशल सपोर्ट चैनल. उन लोगों को ज्यादा आपके केस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन पहले आप उन तक पहुंचने से पहले एक बार कस्टमर सर्विस से बात करो. वो जो आपको रिप्लाई दें उस रिप्लाई के साथ पोस्ट डाल दो कि भैया देखो मैं फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर हूं, और देखो कैसे रिप्लाई आता है हितेश जी आपके पास. सर ये भी ट्राई, ये नया सीखने को मिला सर आज. सर ये नया नहीं है, ये लोग बहुत यूज कर रहे हैं, मतलब ये मुझे नया सीखने के लिए मिला था. चलिए आगे चलते हैं. टैग कैसे करते हैं देखिएगा. अब ये तो रही इंडिविजुअल अकाउंट की बात, लेकिन फेसबुक पेज के अंदर भी टैग कर सकते हैं आप. कैसे कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहां पे मैं डाल देता हूं IIDM हैशटैग, जो भी मैंने ऊपर डाला नीचे डाला किसी जगह आप डाल सकते हैं, हैशटैग आपको जरूर दिखेगा. सो और यहां पे मैं एट द रेट मैं डाल देता हूं. ये देखिए नरेंद्र मोदी का मेरे को यहां दिख गया, नरेंद्र मोदी के ग्रुप्स हैं, पब्लिक ग्रुप है, यहां पे पब्लिक फिगर है, ये इसको टैग कर देता हूं. अब नरेंद्र मोदी जी को एक नोटिफिकेशन जरूर जाएगी कि मैंने उनको टैग किया है, अगर आपने राइट अकाउंट पे किया है. जैसे मेरे को चाहिए कि मैं आज तक को टैग कर दूं, कुछ एक नई न्यूज डाल रहा हूं और आज तक को टैग करना है मुझे. ये देखिए आज तक न्यूज. अब आज तक को एक नोटिफिकेशन जाएगी इस पोस्ट की, ठीक है हितेश जी. बन गया सर. जैसे यहां पे अगर मैं जाऊं और मैं यहां पे गीतांजलि एंटरप्राइज सर्च कर लेते हैं एक बार. सर वैसे आपने शायद यूजर नेम लिया नहीं होगा अभी. चलिए जैसे गीतांजलि शॉप आपको दिख रहा है, मैंने इस पेज को टैग कर दिया तो इस पेज का जो एडमिन होगा उसके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी. इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब आप टैग करते हैं ना तो आप बड़े बड़े ग्रुप्स में टैग करेंगे. जैसे मैंने अपने इस आईडी से इस पेज से बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन अगर किया हुआ है फेसबुक के अंदर, तो मैं यहां पे टैग कर सकता हूं डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप. अब ये डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप का जो एडमिन है ना उसके पास ये पोस्ट जाएगा.
नोटिफिकेशन, अगर उसको अच्छा लगता है तो वो अपने ग्रुप में शेयर कर देगा, ठीक है हितेश जी? समझ गया सर। लेकिन ये टैगिंग ज्यादा यूज मत कीजिएगा, पता लगा आपका कस्टमर कहीं और ही भाग रहा है, इसलिए हैशटैग पे रहिए अगर आप एक बिजनेस है तो। टैगिंग ज्यादा पब्लिक फिगर या फिर कम्युनिटी टर्म्स पे होती है। तो ये दो चीजें हैं, जो भी आप हैशटैग में डालेंगे वो आपका कीवर्ड होगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ फेसबुक के ऊपर और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं हैशटैग आईडीएम अगर सर्च करता हूँ तो क्या रिजल्ट निकल के आता है मेरे पास अभी। मैं सिंपल गूगल पे जा, सॉरी फेसबुक के सर्च पे जाके, टॉप में बार होता है फेसबुक पे सर्च में आई टाइप किया और आईडीएम टाइप करने के बाद मैंने जैसे ही देखिए मेरे सामने ऑप्शंस आ गए। सबसे पहले इंडियन डिजिटल मार्केटिंग आ गया क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के हर पोस्ट कहीं टैगिंग इसको मिलती है तो फेसबुक के समझ आ रहा है। तो हे जी अगर यहां आके टाइप एंटरप्राइजेस दिख जाएगा तो अच्छा लगेगा सर यूजर को भी। हां हां तो इसलिए हैशटैग जरूर बन। देख रहे हैं सर मैंने यहाँ पे आईडीएम टाइप किया और ये देखिए सत्या जी ने जो किया था देख रहे हैं आ गया ना सर। तो अब फायदा समझ आया श्रद्धा मैम हैशटैग का। मान लीजिए कोई यूजर आता है और वो टाइप करता है डिजाइनर वॉल क्लॉक्स, अगर आपने हैशटैग यूज किया हुआ तो आप भी दिखेंगे ना वहां पे। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो मैं इस सेशन को यहीं तक इतना ही तक ही रखूंगा। हैशटैग और पेज कैसे बनाना है, किस तरीके से करना है, जो सोशल मीडिया के ऊपर हमने बात की कि आप एक रेगुलर इंटरवल्स में अपना डिजाइन रेडी कर लीजिए कि आप कैसे कैसे पोस्ट डालेंगे, किस तरीके से डालेंगे। कैनवा टूल को बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा क्योंकि कैनवा टूल इसमें आपकी मदद कर सकता है, आपके स्पीड को बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज कर सकता है टू मेक द पोस्ट टू पब्लिश इट ऑनलाइन। आप क्रिएटिव हैं, हर किसी को अपना चेहरा खराब नहीं लगता। सारे शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को शाहरुख खान ही समझते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारा जो पसंद है, जो डिजाइन हमें पसंद आ रहा है, वो किसी और को पसंद आए ना आए। इसलिए आप अगर एक क्रिएटिव इंडिविजुअल नहीं है तो आप कैनवा जैसे टूल को यूज कर सकते हैं जहां पहले से सारे डिजाइन रेडी है, यू जस्ट नीड टू एडिट द टेक्स्ट, दैट्स इट। कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ डिसाइडेड, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक क्रिएटिव हैं, जैसे अगर पर्सनली मुझे करना होता है तो मैं कैनवा में सिर्फ एक स्क्रैच विंडो लेता हूं और वहां से अपना डिजाइन रेडी करता हूं, तो आप भी कर सकते हैं अगर आपको भरोसा है। लेकिन डिजाइन बनाने के बाद दो लोगों को भेज के जरूर देखिएगा कि कैसा है, तभी आपको सेंस मिल पाएगा कि आप सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं ना हितेश जी, निंदक नीरे राखिए। तो क्या 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 सर? निंदक नेरे राखिए, इसका मतलब है कि जो आपकी बुराई करे उसको पास में रख लो, तभी आप आगे बढ़ोगे क्योंकि वो आपकी बुराइयों को गिनवा रहा होगा। तो इसलिए जब भी कोई पोस्ट बनाए या कुछ भी डिजाइन करें तो इस ग्रुप में भेज दें क्योंकि इस ग्रुप में सारे एक दूसरे को सही बोल देते हैं। सही बात है। चलिए कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। सर एक बार मेरी वेबसाइट चेक कर लीजिए जी। अश्विनी कोई क्वेश्चन? अश्विनी आई बिलीव, मेरे को लगता है ऑफिस वर्क काफी ज्यादा थक गई हैं क्योंकि उनको 10 मिनट भी टाइम नहीं मिलता इस सेशन और ऑफिस के बीच में। बट अश्विनी यू आर डूइंग अ हार्ड वर्क, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। जी मैम बताइए वेबसाइट क्या है? दी डिजी प्लेटफॉर्म digi.com। बहुत बढ़िया, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। बहुत क्लीन लग रहा है मेरे को, पहला पार्ट तो बहुत क्लीन लगा है। सही है, मुझे क्लीन लगा है। मैम देखिए अलग अलग परसेप्शन हो सकता है हर इंसान का, बट मुझे क्लीन आपके परसेप्शन टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है यहाँ पे। हाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है। हाँ पे सर, कहाँ पे मैम? इस जगह पे ये सेंटर कर रखा है इन्होंने हितेश जी।
वो मोबाइल व्यू पे नहीं हो पाता है इसलिए किया है, और नीचे बटन भी वो उधर साइड में इसे लगाया है, फिर मोबाइल व्यू में बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। कोई बात नहीं, अब आपने अच्छा काम किया मैम ये, बस थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मतलब इसको शेप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए अगर आप कर पाए तो। क्या करना आपने? थोड़ा सा कर्व कर लीजिए इसको, कॉर्नर्स को राउंड कर दीजिए, मतलब ये मेरा आउटलुक है। लेकिन अगर जैसे अगर बटन्स देखें, देखिए सिमिलैरिटी हमेशा निकालनी चाहिए, जैसे आप बटन्स देखें, बटन्स इज कंप्लीट रेक्टेंगल, तो अगर आप इमेजेस भी रेक्टेंगल रख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखो ये हु वी आर लिखा है ना, उसका टेक्स्ट कितना बढ़िया दिख रहा है, देखो सर हु वी आर लिखा है ना वहां पे। अरे टेक्स्ट फॉन्ट एक ही है तो ये बस, ये देखिए इसका टेक्स्ट कितना सिमिलर, ये टेक्स्ट एकदम सही है सर। वो एक्चुअली उन्होंने कलर कॉम्बिनेशंस वैसे दिख रही हैं आपको, तो हो सकता है सर आपको रिमोट स्क्रीन पे थोड़ा कलर कॉम्बिनेशंस उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अरे फॉन्ट तो सर एक ही यूज किया है मैंने। नहीं ठीक है, अलाइनमेंट यू आर गोइंग गुड, और धीरे धीरे इसी तरीके से आगे काम बढ़ाते रहिए। सर वो ब्लॉगिंग के लिए क्या करना है? मैम ब्लॉगिंग के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको एक पेज बनाना है जो आपको कनेक्ट करना है सेटिंग में जाके, और जो भी पेज आप ब्लॉगिंग के लिए बनाने वाले हैं उस पे ब्लॉग्स पे बनाइए और ब्लॉग्स डालते चलिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालने का शौक है। सर डेली डेली क्या हम लोग कंटेंट डालेंगे वो आप शेड्यूल बना लीजिए, जो काम सोशल मीडिया पे करना है ब्लॉगिंग भी तो वही है, शेड्यूल बना लीजिए कि पहले दिन मैं टेक के बारे में लिखूंगी, सेकंड डे मैं स्पोर्ट्स के बारे में लिखूंगी। सर वो ऑटोमेटिक ब्लॉगिंग के बारे में प्लीज आगे में हम लोगों को बता दें। मैम ऑटोमेटिक ब्लॉगिंग के बारे में मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है? इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सेटअप कर लो अपने आप, ब्लॉग चल रहे हैं। वही तो सर, वही सोच रहे थे हम लोग, सब सोच रहे बगैर फोन पे बात हुई तो मुझे तो सर, हम लोगों ने सोचा है सर से बात करेंगे इस मैटर पे। आप लोग वो लेटेस्ट न्यूज़ वाली वेबसाइट चेक कर रहे हैं? सर बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है उससे बहुत। सो मेरे को तो देखे हुए उसको बहुत टाइम हो गया, बट अपने आप पोस्ट बन रहे हैं, अपने आप उस पे रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। यस वी विल कम टू इट फॉर श्योर। चलिए गाइस मैं सेशन को यहीं तक रखता हूं, और मुस्कुराते रहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिल में धड़कन तेज होनी चाहिए, तभी आगे कुछ कर पाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो।